Hey guys, आज मैं टेस्टिंग करने वाला हूँ फाइंड माई डिवाइस फीचर के बारे में, जो कि गूगल की तरफ से दिया जाता है। तो हम सब अपना मोबाइल ट्रैक कर सकते हैं कि आपका मोबाइल किधर है, और इसमें हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये कितना एक्यूरेट होता है और कितना अच्छा होता है। ये सब हम आपको सब सामने दिखाएंगे कि कितना ये अच्छे से काम करता है, कितना अच्छे से नहीं काम करता है। सब खुल्लम खुल्ला रहे, क्योंकि मैं पहली बार ही ये कर रहा हूँ, तो सब कुछ आपको पता चलेगा ये कैसे काम करता है। तो आप पूरे वीडियो में बने रहे, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। गाइस, फोन खोजने से पहले कुछ चीजें आपको बता दूं जो कि आपको ध्यान दूंगा। जैसे कि आपको फाइंड माई डिवाइस फीचर को आपको ऑन करना पड़ेगा आपके स्मार्टफोन में। आप कोई भी अपना एक ईमेल आईडी चूज करके अपने क्रोम में सबसे पहले जाइए और प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए, उसमें अपना ईमेल आईडी चूज कर लीजिए, और चला चूज करने के बाद मैनेज गूगल अकाउंट पे क्लिक कर लीजिए। फिर उसके बाद आप जाइए सिक्योरिटी में, नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको उसमें लॉस्ट योर डिवाइस ऐसा कुछ लिखा होगा, वहाँ से ऑन कर दीजिए। उसके बाद आपका सेट हो जाएगा। आप कभी भी आप अगर आपका फ़ोन खोता है या नहीं मिल रहा है, कहीं भी कहीं रख दिया और नहीं मिल रहा है आपको, तो आप तुरंत अपना ईमेल आईडी किसी दूसरे डिवाइस में लगा के यानी उसमें लॉगिन करके आप खोज सकते हैं। अपना ईमेल आईडी चाहिए और पासवर्ड चाहिए उसका, उसके बाद आप कहीं भी रहे खोज सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। इसमें मैंने क्रोम ऐप को खोला है और इसमें मैं अपना उस लॉस्ट फ़ोन का, जो मेरा फ़ोन खो गया है, उसके ईमेल आईडी को मैं इसमें लॉगिन करने वाला हूँ। तो चलो मैं लॉगिन करके आपको उसके बाद मिलते हैं। तो मैंने अपना ईमेल आईडी लॉगिन कर लिया है और मैं आ गया हूँ अपने प्रोफाइल पर, जिसमें मैं सिक्योरिटी वाले सेक्शन में जाऊंगा और वहाँ पे मैं सबसे नीचे स्क्रॉल करके आऊंगा और उसमें आपको दिखेगा लॉस्ट योर फोन, उस पर क्लिक करना है और कुछ आपको ऐसा डिस्प्ले ओपन होगा। तो मैं क्लिक कर लिया, ऐसा आपको ओपन का होगा। इसमें अपना वो जो डिवाइस आपका जो फोन खोया है उस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे कि मेरा है ओप्पो A5 2020, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो इसमें खुल गया। इसमें आपको ऐप फाइंड माई डिवाइस का ऐप भी डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, तो मैं चलो डाउनलोड कर लेता हूँ बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए। तो सबसे पहले मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, तो फिर मिलते हैं। तो मैंने फाइंड माई डिवाइस ऐप को डाउनलोड कर लिया है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये मेरा ईमेल आईडी है, इसको मैं चूज कर लेता हूँ क्योंकि यही उस फोन में लॉगिन था, इसी पर मैंने फाइंड माई डिवाइस वाला ऑप्शन ऑन किया था, तो मैंने ऑन कर लिया। अभी मैं इस सभी जो भी अलाउ करने के लिए बोल रहा है उसको मैं अलाउ करता हूँ। हमको लोकेशन ऑन करना है। इसके बाद देखो मेरा उस डिवाइस का लोकेशन दिखा रहा है डिंडोसी, तो मैं अभी शुरू कर देता हूँ। नहीं नहीं गाइस, सॉरी गाइस, ये उसका लोकेशन दिखा रहा है। अभी मेरे को उसको करना पड़ेगा, उसको चूज करना पड़ेगा, उस वाले मोबाइल को, तो मैं चूज कर लेता हूँ। तो मैं ये उस डिवाइस को मैंने चूज कर लिया, ओप्पो A5 2020। इसमें आपको दिखा रहा है 62% मेरा चार्ज है, एक सिम है जो ऑन है। ओके, उसके बाद आपको लोकेशन दिखा रहा है, कुछ भी रिफ्रेश नहीं दिखा नहीं रहा। इसमें लिखा हुआ है, हाँ इसमें लोकेशन ऑन नहीं है मेरा, तो लोकेशन टर्न ऑफ है, देख रहे हो उसमें लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो गाइज, इसमें आपको उसमें उस मोबाइल का लोकेशन ऑन भी रहना चाहिए, नहीं ऑन रहेगा तो मतलब कि आप खोज नहीं सकते। तो मैं थोड़ा फोन करके उसको बोलता हूँ ऑन करने के लिए, तो मैं ऑन करवाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ आगे क्या होता है। तो गाइज, मैंने लोकेशन ऑन करवाया है, अभी रिफ्रेश करता हूँ। तो हाँ, इसमें अभी दिखाने लगा कि मेरा ऑन हो गया। देखो लोकेशन भी दिखा रहा है मेरा, ये जो हरा वाला मोबाइल का बटन दिख रहा है, ये मेरा उस खोया हुआ मोबाइल का लोकेशन है। आपको दिख रहा होगा, एक हरी बिंदी दिख रही होगी, वो मेरा लोकेशन है, मैं जो हाथ में लिया हूँ मेरा डिवाइस का। तो अभी मैं शुरू कर देता हूँ, चलता हूँ उसके पीछे। ओके, तो गाइज, मैं 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को पार किया और मैं उसके कुछ 10 से 20 मीटर के दूरी पर हूँ अभी। और ये मेरे को, मैं सही डायरेक्शन, मतलब जिस तरफ मोबाइल है वो मैं उस तरफ जा रहा हूँ, लेकिन ये मेरे को मैप में दिखा रहा है रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मतलब कि एकदम एक्यूरेट नहीं है। तो गाइज, इससे प्रूफ होता है कि हम फाइंड माई डिवाइस फीचर को यूज करके हम एकदम लास्ट पॉइंट तक नहीं पहुँच सकते, मतलब कि हम एकदम 1-2 मीटर के दूरी पर नहीं जा सकते डिवाइस के, तो हम 10 से 20 मीटर के दूरी पर आ सकते हैं इस डिवाइस के पास। तो इतना तो फिक्स हो गया, एकदम ये सही है। तो मैं इसको 100 to 100 देता हूँ, 10 से 20 मीटर के दूरी में आप उसके पहुँच सकते हैं, मतलब कि अपने डिवाइस के डिस्टेंस तक। ओके।
तो मैं इसका मैं अभी टेस्ट करता हूँ साउंड बीप का कि ये पता भी चलता है कि नहीं। तो मैं अभी एक रोड पर हूँ, यहाँ पे काफी मार्केट एरिया है, तो मैं अभी इसको बीप करने के लिए बीप वाला बटन दबाता हूँ। ओके, तो गाइज मैं प्ले साउंड का बटन दबाता हूँ। अभी साउंड तो बज रहा है उधर, मैं हाँ तो उधर मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है बिल्कुल। उसको सुनाई दे रहा है लेकिन मेरे को नहीं सुनाई दे रहा, क्योंकि मैं उससे 10 मीटर की दूरी पर हूँ और ये है मार्केट एरिया, यहाँ पे हल्ला गुल्ला हो रहा है तो पता नहीं चल रहा है बज भी रहा है या नहीं पता बज भी रहा है। और ऐसा किसी का भी बज सकता है, उसको मैं जाकर सीधा बोल नहीं सकता कि ये मेरा मोबाइल है। तो मतलब कि अगर भीड़ भाड़ की जगह में हो तो नहीं, तो मुश्किल है मिलना। हाँ मुश्किल भी नहीं है लेकिन फिर भी आप किसी को ऐसे बोल नहीं सकते। तो गाइज मेरा लास्ट में यही कहना है कि आप एकदम एक्यूरेट लोकेशन पाने के लिए इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको 20 से 30 मीटर की दूरी तक पहुंचा सकता है, कि हाँ बता सकता है कि इतनी दूरी में आपका मोबाइल है। तो आप इसका यूज एकदम लास्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये आपको नहीं पहुँचाएगा, बाद में निराश ही करेगा, फिर आप गाली देंगे कि मैं ऐसा एकदम एक्यूरेट के लिए मैंने बताया लेकिन एक्यूरेट नहीं हुआ, पहुंचा नहीं मैं। तो एकदम एक्यूरेट के लिए तो आप इसका यूज नहीं कर सकते। हाँ अगर आपको 20 से 30 मीटर के दूरी में पहुंचना है कि हाँ मेरा मोबाइल इसी एरिया में है, अभी इसी जगह पर है, तो इतना आप पहुंच सकते हैं। तो गाइज एक बात भूलना भूल गया कि आपका जो मोबाइल खोया हुआ है उसका लोकेशन ऑन होना चाहिए, कंपलसरी है। आपको वीडियो में बीच में दिखा होगा कि उसका इसमें लिखा था कि अब योर डिवाइस लोकेशन ऑफ, तो उसमें बता रहा था, जब मैंने ऑन किया तब उसके बाद ऑन हुआ, उसके बाद उस मैप में जब ऑफ था तो दिखा रहा था कि लोकेशन नहीं दिखा रहा था, जब मैंने ऑन किया तब दिखा रहा था कि मेरा डिवाइस का लोकेशन और मेरा जो हाथ में जो जिससे मैं खोज रहा हूँ उसका लोकेशन दिखा रहा था मेरे को। और अगर लोकेशन ऑन नहीं है तो आप उसमें साउंड बीप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं कर सकते, उसमें साउंड बीप कर सकते हैं, डिवाइस को लॉक कर सकते हैं, या आप पूरा डिवाइस का डाटा इरेज कर सकते हैं। आप अगर डिवाइस का डाटा इरेज कर देंगे इससे ये होगा कि आपका कोई भी ज़रूरी चीज़ है, डाटा है, जो कि दूसरा कोई मिसयूज कर सकता है तो मिसयूज नहीं कर पाएगा। तो आपको ये तो मिलता है आपके साथ, उसमें मतलब फाइंड माय डिवाइस का फीचर काफ़ी अच्छा है, बस यही कि आपको 10 से 20 मीटर की दूरी तक आपको पहुँचा रहा है, इतना तो बहुत है यार। आपको अगर एक्यूरेट जानना है तो भाई ये मुश्किल है, क्योंकि एक्यूरेट में नहीं पहुंच पाया मैं, 10 से 20 मीटर की दूरी पे था और वो मेरे को दूसरी जगह दिखा रहा था, और मैं उसके पास पहुंच गया फिर भी मेरे को दूरी दिखा रहा था। तो आप इसके लिए यूज नहीं कर सकते कि आप एक्यूरेट एकदम पा सकें लोकेशन। तो गाइज वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो मिलते हैं न्यू वीडियो।